हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मटन फ्राई बना रहे हैं, बहुत ही जूसी और बहुत सॉफ्ट बनता है। इसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इसमें मैंने बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाया है और झटपट से बन जाने वाली बकरीद की स्पेशल डिश है ये। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। बनाने में भी इसे कम टाइम लगता है और चीज़ें भी घर की ही यूज़ हो जाती हैं। इसके लिए हमने मटन को 250 ग्राम मटन को धोकर बिल्कुल साफ़ अच्छी तरह से साफ बोटियाँ ली, जो एक एक इंच की बड़ी बड़ी बोटियाँ थी। थोड़ा सा इसमें चिकना रखा ताकि जूसी रहे। 1/4 चम्मच नमक डाला इसमें, 2 चम्मच दही डाला, गाढ़ा गाढ़ा दही है ये। ज़्यादा पतला हो तो उसका पानी निकाल दीजिएगा। 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स डालें। और इसमें डालने के लिए मैंने 6 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको मिक्सी में चाहे पीस लें। मैंने इसको इमाम दस्ते में कूट लिया था। फ्रेश अदरक लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसमें ज़रा सा नमक डाल दें, चुटकी, 2-3 चुटकी, ताकि ये पिस आसानी से जाए। ये देखिए, ये हमारा अदरक लहसुन कूट गया। इसमें से हम 1/4 चम्मच अदरक लहसुन लेंगे। आधा चम्मच अदरक लहसुन डाल दीजिए इसमें। 1 प्याज को मोटा मोटा काट कर डाल दीजिए। ये हम मटन को मैरिनेट कर रहे हैं। फिर इसको हमने कुकर में डाल दिया, क्योंकि हम इसमें मीट टेंडराइज़र कुछ नहीं डाल रहे हैं। 1/4 कप पानी डाला और 3 सीटियाँ ले ली। 3 सीटियाँ में हमारा मटन अच्छी तरह से गल जाएगा। आधा चम्मच मैंने ज़ीरा, 1 छोटा चम्मच धनिया साबुत, 1 छोटा चम्मच सौंफ लेकर मैंने इसको तवे पे रोस्ट कर लिया। बस इतना रोस्ट किया कि इसकी स्मेल आने लगी, बस तभी बंद कर दिया। ज़्यादा रोस्ट करेंगे तो कड़वा हो जाएगा। इसको भी इमाम दस्ते में ही कूट लेंगे। हमें इसे बहुत बारीक पाउडर नहीं चाहिए, हल्का सा ही गर्म होता तो आसानी से कूट भी जाता है। इसको हम पाउडर नहीं बनाना है, बस सिर्फ क्रश्ड क्रश्ड सा रखना है। ये देखिए, हमारा गोश्त पूरी तरह से गल गया 3 सीटों, कितनी अच्छी तरह। अब हम इसकी बोटियाँ बोटियाँ निकाल लेंगे। और इसमें अब हमने 1 चम्मच दही डाला, वो इतना गाढ़ा सा दही हो। 3 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डाला और जो हमने धनिया ज़ीरा और सौंफ का पीसा था वो डाल दिया इसमें। आधा डाला, आधा मैंने छोड़ दिया। हरा धनिया थोड़ा सा मैंने ताज़ा काट के डाला है, इससे बड़ी अच्छी सी फ्रेश सी स्मेल रहती है इसमें। और 2 छोटे चम्मच चाट मसाला पाउडर डाला है। और इसमें 2 चुटकी खाने का लाल रंग डाला है। अगर कश्मीरी मिर्च हो तो आप कश्मीरी मिर्च डाल दें, 1/4 चम्मच। और इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। एक पैन में हमने 3 बड़े चम्मच तेल को गरम कर लिया था, अच्छा गरम करा था, हल्का ठंडा गरम ना हो वरना बहुत तेल एब्जॉर्ब कर लेंगी ये बोटियाँ। और इसको हमने गरम तेल में डाला है और मीडियम हीट पर सेका, ना बहुत लो हीट पर ना हाई हीट पर। हमारा मीट पूरी तरह से गला हुआ है, कॉर्नफ्लोर और दही से मिलकर इसकी क्रिस्पी सी कोटिंग हो जाएगी, तो ये बड़ा टेस्टी लगता है।
एक तरफ से जब ये फ्राई हो जाए तो दूसरी तरफ से हमें इसे पलट कर फ्राई करना है, सुनहरा कुरकुरा होने तक सेकना है। सिक तल तो बहुत जल्दी जाएगा क्योंकि गला हुआ है ऑलमोस्ट सारा, सिर्फ एक हमें क्रिस्पी सी कोटिंग देनी है। दूसरी तरफ से भी सिक जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। निकाल कर थोड़ी देर छन्नी में रहने देंगे ताकि तेल नीचे से निकल जाए सारा। अब इसके ऊपर हमने अपनी मर्ज़ी आपकी चाट मसाला पाउडर डाल दें और थोड़ा सा नींबू का रस डालें सर्व करते टाइम, और हरे धनिया डालकर इसको सर्व करें। ये इसके लिए ना कोई चटनी की ज़रूरत है ना कोई टोमेटो केचप वगैरह की, ये खुद में ही बहुत टेस्टी होता है। हमारा मटन फ्राई तैयार है।